हेलो लवलीज, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेनिला आइसक्रीम की परफेक्ट रेसिपी। इसे अगर आपने एक बार बनाया ना, तो बाहर की आइसक्रीम तो भूल ही जाओगे। ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट, क्रीमी और टेस्टी बनती है। सबसे पहले मोटे तले वाला कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हाफ कप मिल्क। मिल्क यहाँ पे फुल फैट ही लेना है। 1/4 कप का आधा यानी कि 1/8 कप चीनी ऐड करेंगे और उतना ही मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और उसके बाद हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके विस्कर की मदद से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दूध वाले मिक्सचर को रखेंगे गैस पे और इसे 4 से 5 मिनट बॉईल कर लेंगे और कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे चिपके नहीं। 4 से 5 मिनट में ही दूध काफी थिक हो गया है, तो गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और दूध को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे एक बॉल जिसमें ऐड करेंगे 1/2 कप + 1/8 कप व्हिपिंग क्रीम और उसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से विस्क कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप विस्कर का भी यूज कर सकते हैं, बट उससे थोड़ी सी मेहनत, अरे थोड़ी सी क्या, बहुत ही ज्यादा मेहनत हो जाती है। ध्यान रहे कि आइसक्रीम बनाते वक्त क्रीम को बहुत ज्यादा व्हिप नहीं करना है, जस्ट हल्के सॉफ्ट पिक्स आने तक ही व्हिप करेंगे। हमारी क्रीम अच्छे से विस्क हो गई है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/8 कप कंडेंस मिल्क, प्रिपेयर किया हुआ मिल्क का मिक्सचर और 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। वापस से सभी चीजों को इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जस्ट हल्का सा। वेनिला आइसक्रीम का थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए ऐड करेंगे चोको चिप्स और कट की हुई चेरीज और इसे मिक्स कर लेंगे। आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आइसक्रीम मिक्स को एयरटाइट कंटेनर में ऐड करेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर से ऐड करेंगे चेरीज और चोको चिप्स। अब इसे लीड से कवर करके और फ्रीजर में सेट करेंगे 8 से 9 घंटे या फिर ओवरनाइट। ओह माय गॉड, हमारी आइसक्रीम कितनी बढ़िया सेट हुई है। जल्दी से इसे स्कूप आउट करते हैं और ठंडा ठंडा सर्व करते हैं। आप देख सकते हो कितनी क्रीमी और सॉफ्ट आइसक्रीम रेडी हुई है, और इसका टेस्ट तो यार आप बनाओगे फिर ही समझ पाओगे। आइसक्रीम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।